टॉपिक इज फ्लोरोक्विनोलॉन्स। सो फ्लोरोक्विनोलॉन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो दो क्लासिफिकेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलॉन्स और सेकेंड जनरेशन होती है। पहले जनरेशन को अगर हमें याद करना है तो हम उसके लिए कॉन CON जो मेनोमिक्स है उसके बारे में सोच सकते हैं। कॉन मीन सिप ऑफ नॉर्वे, मतलब जहाज है कहाँ की, नॉर्वे की। सिप फॉर सिप्रोफ्लॉक्सासीन, ऑफ फॉर ओफ्लॉक्सासीन एंड एन पर NOR for norfloxacin। If we talk about the second generation fluoroquinolones, मेनोमिक्स में बात करेंगे इसका मेनोमिक्स कैसे बनेगा। तो लोमी एंड लीवो वेंट टू स्पा। लोमी एंड लीवो जो है वो गर्ल का नाम है जो कि कहाँ जा रहा है, स्पा जा रहा है। तो लोमी फ्लॉक्सासिन, लीवो फ्लॉक्सासिन और स्पार फ्लॉक्सासिन। आप ये देख सकते हो कि सब में फ्लॉक्सासिन लगा है। तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स का जो लास्ट का जो वर्डिंग है वो फ्लॉक्सासिन है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें DNA गारेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। DNA गारेज जो है वो दो सब यूनिट प्रोड्यूस करता है, एक होता है 2A सब यूनिट और एक है 2B सब यूनिट। मतलब दो दो पार्ट है, A के दो पार्ट है और B के दो पार्ट इसके में हैं। तो फिर जो इसमें A सब यूनिट, इसका काम है कैरीज आउट निकिंग ऑफ DNA, मतलब वो क्या करता है, DNA को ब्रेक करता है या फिर काटता है। और बी का काम क्या है, इंट्रोड्यूस करता है नेगेटिव सुपर कोइल को इंट्रोड्यूस करता है। और फिर ए फिर उसको फिर से क्या करता है, रीसील करता है स्ट्रैंड्स को जो उसने कट किया, उसको फिर से वो जोड़ता है। यहाँ पे फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या करते हैं, यही जो ए सब यूनिट है जो क्या करता है, निकिंग करता है तो उसी को वो इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है, वो क्या इंटरफेयर करता है किसके साथ, जो स्ट्रैंड कटिंग है मतलब स्ट्रैंड को जो कट करने का प्रोसेस है उसी के साथ वो इंटरफेयर करता है और रीसीलिंग फंक्शन को रोक देता है। टोपो आयरन आइसोमरेज 4 DNA गायरेज जो है, इसी क्लास का DNA गायरेज भी है टोपो आइसोमरेज 4 इंजाइम। इसमें क्या करता है, ये निक्स एंड सेपरेट डॉटर DNA स्ट्रैंड्स आफ्टर DNA रेप्लिकेशन। इतना आप लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सो जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स कैटेगरी की जो ड्रग है जो हम लोग को इसके अंदर पढ़नी है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये फर्स्ट जनरेशन मोस्ट पोटेंट फ्लोरोक्विनोलॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, अगेंस्ट एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हाईली ससेप्टेबल किसके खिलाफ है, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, निसेरिया, गोनोरिया, एस टाइप विप्रियो, कॉलेरा। मॉडरेटली मतलब थोड़ा सा जो है ससेप्टेबल है पी एरोगिनोसा, स्टेफाइलो ऑरियस, स्टेफाइलो एपिडर्मिडिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेजियोनेला। लो ससेप्टेबिलिटी किसके खिलाफ है, माइकोप्लाज्मा, क्लेमडिया, माइकोबैक्टीरियम एवियम, स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस, माइकोबैक्टीरियम कैनासी, ठीक है। अब इसके कुछ माइक्रोबियल फीचर्स, मतलब माइक्रोब्स के खिलाफ इसके क्या क्या फीचर्स है, किस तरीके से ये काम करते हैं। ये रैपिड बैक्टीरियसाइडल एक्टिविटी देता है, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी किल करता है। लो फ्रिक्वेंसी होती है, म्यूटेशनल रेजिस्टेंस की लो प्रोपेंसिटी होती है, लेस एक्टिव एट एसिडिक पीएच पे। लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है किसके खिलाफ, सोडोमोनास और एंट्रोबैक्टीरियासी के खिलाफ होता है, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, इसके बारे में और जानते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या है इसका, ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसमें देखेंगे जो कि 60-80% होता है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली ओरल और आईवी के थ्रू हम लोग इसका कराते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 20-35% होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी इज अबाउट 3-4 liters पर kg। एक्सक्रीशन इज थ्रू यूरिन एंड द टी हाफ इज 3-5 hours। डोज इज अबाउट 250-750 mg ओरल। तो बीडी का मतलब होता है दो बार दिन में। एडवर्स इफेक्ट इज नॉजिया, वॉमिटिंग, बैड टेस्ट आता है, डिजीनेस होती है, हेडेक होता है। एंड व्हाट अबाउट द इंट्रैक्शन, वी नो अबाउट द इंट्रैक्शन ऑफ दिस ड्रग विद अदर ड्रग्स, लाइक फर्स्ट ड्रग इज थियोफाइलिन, कैफीन, वॉरफरीन। दीज ड्रग्स के साथ अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर देते हैं हम लोग तो क्या होता है कि इन सब ड्रग का जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन होता है, प्लाज्मा में कंसनट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन को NSAIDs के साथ दे रहे हैं तो ये क्या करता है कि इंक्रीज़ कर देता है CNS में टॉक्सिसिटी फ्लोरोक्विनोलॉन्स की। फ्लोरोक्विनोलॉन्स के जो अमाउंट होता है CNS में वो क्या करता है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है CNS में। अगर हम लोग एंटी एसिड या सुक्रल फेट या फिर आयरन सॉल्ट के साथ अगर हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं तो ये क्या करता है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अब्सॉर्प्शन को कम कर देता है। यूजेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, गोनोरिया में, टाइफाइड में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस में। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड क्विनोलॉन्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। Please like, share and subscribe my channel if you like my video. Thank you.